बहुत लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP करते हैं। आज मैं आपके सामने ये डाटा रखूंगा कि कैसे आप जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एजेंट, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, ऐप का सहारा लेते हो, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है, कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी हाँ, ग्रो ऐप, पेटीएम मनी, ईटी मनी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर बैंक के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ बन सकता है, SIP में सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ देखने को मिल सकता है। शुरुआती दौर में इन्वेस्टर को काफ़ी प्रॉब्लम होता है और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सही डिसीजन ना लेने के चलते कई बार गलती कर देते हैं। और वो भी पता कब चलता है, जब 4 साल 5 साल बीत गए हों तब उनको पता चलता है कि शुरुआती दौर में मैंने कुछ गलती कर दिया। तो आज मैं जो आपके सामने विश्लेषण रखूंगा, इसको पूरी तरह से समझें और आप अपने इन्वेस्टमेंट में ज़रूर अप्लाई करें। ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिल सकता है, इस बात को समझें। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। देखो, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। हर एक फंड का यहाँ पे रेगुलर और डायरेक्ट फंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ और SBI स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ। देखो, डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊँ तो काफ़ी सिंपल है। आप इस इमेज में डिफरेंस को समझ सकते हैं। अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे खर्चा कम होगा, लेकिन अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस कर रहे हो तो खर्चा ज़्यादा देना पड़ सकता है। अगर रिटर्न की बात करें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो आपको अपना खुद रिसर्च करना होगा, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आपको कहीं से असिस्टेंस और हेल्प मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है इन्वेस्टमेंट को लेके, रेगुलर प्लान में आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा, जबकि डायरेक्ट प्लान में आपको खुद एक अपना डिसीजन लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को लेके। अब रेगुलर और डायरेक्ट में अगर मैं सिर्फ दो पॉइंट पे आपको समझाऊं तो रेगुलर प्लान में यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा और रिटर्न कम देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट में खर्चा कम होगा और रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये तो समझ गए आप। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हम ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट करें या फिर ईटी मनी से इन्वेस्टमेंट करें, पेटीएम मनी से इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें कि हमें यहाँ पे पैसा ज़्यादा बन सकता है। जी हाँ, देखो, मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको सिर्फ रेगुलर प्लान एडवाइस किया जाता है, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट फंड एडवाइस किया जाता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रेगुलर और डायरेक्ट में कितना डिफरेंस हो सकता है पैसे के मामले में। देखो, मैं SBI स्मॉल कैप का यहाँ पे रेगुलर प्लान आपके सामने रख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है ये यहाँ पे 9 साल का इन्वेस्टमेंट है। 9 साल में अगर आप यहाँ पे 10,000 का SIP करते तो आपका जो यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, ये रेगुलर प्लान है, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पे टोटल जो पैसा बनता 27,94,000 के करीब में। इट मीन्स कि 17,14,000 का आपका यहाँ पे वेल्थ गेन होता और 10,80,000 का यहाँ पे टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट प्लान की बात करोगे, अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किए होते तो यहाँ पे आपका 10,80,000 का ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सेल वैल्यू है आप देख सकते हो 30,15,619 के करीब में। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है 19,35,000 का दिख रहा है, जबकि अगर आप रेगुलर प्लान में देखोगे तो वहाँ पे 17 लाख के करीब में दिख रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस को हम देखते हैं। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो 2,21,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 9 साल के लिए SIP किए, 10,000 का SIP किए, रेगुलर में भी हम इन्वेस्ट किए और इधर डायरेक्ट में भी इन्वेस्ट किए। रेगुलर प्लान में हमें जो वेल्थ गेन मिला वो 17 लाख के करीब में मिला, जबकि डायरेक्ट प्लान में हमें जो वेल्थ गेन मिला वो 19 लाख के ऊपर देखने को मिला। अगर डिफरेंस देखें तो 2,21,000 ज़्यादा रिटर्न पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, अगर हम रेगुलर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ आपको डायरेक्ट प्लान मिल सकता है, कहाँ आपको रेगुलर प्लान मिल सकता है। डायरेक्ट प्लान की अगर बात करें तो ग्रो ऐप जैसे हो गया, पेटीएम मनी की बात करें, ईटी मनी की बात करें, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, INDmoney मनी की बात करें, यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के सेलेक्ट करते हो तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलेंगे। इट मीन्स कि ऐसे प्लेटफॉर्म से आपको पैसा ज़्यादा बन सकता है।
देखो मैं किसी ऐप का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके जानने के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये जितने सारे ऐप मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल होते हैं। वैसे ही अगर मैं रेगुलर प्लान की बात करूँ तो आप अनजान हो कि हाँ आपको रेगुलर मिल रहा है, डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, कोई एजेंट या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो वहां पे आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा। डायरेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, रेगुलर प्लान ही मिलेगा। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा पैसा कम बनता हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपके सामने काफी सिंपल कर दिया हूं कि आपको समझ में आए कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है और किस किस प्लेटफॉर्म से कहां कहां से आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान मिल सकते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बैंक में जाते हो, तो वहां पे आपका जो प्लान होगा वो रेगुलर प्लान दिया जाएगा और वहां पे पैसा आपका कम बनेगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर SBI स्मॉल कैप का रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का रिटर्न पिछले 9 साल का आपके सामने रख दिया। और अधिकतर इन्वेस्टर क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो सारा प्लान रेगुलर प्लान होता है और बैंक के थ्रू आपको कोई यहाँ पे हेल्प नहीं मिलता है। हम मानते हैं कि चलो अगर आप रेगुलर प्लान में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई असिस्टेंस मिले, कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके सामने वही प्रोडक्ट रखेंगे जिसमें उनका पैसा सबसे ज़्यादा बन सकता है, कमीशन ज़्यादा होगा। वो फिनेंशियल प्लानिंग को लेके कोई भी आपके सामने डिस्कशन नहीं रखेंगे, कुछ भी यहाँ पे कंक्लूजन लेके नहीं आएंगे। तो बैंक के थ्रू, एजेंट के थ्रू, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप पैसा लगाते हो तो रेगुलर प्लान यहाँ मिलना ही मिलना है, लेकिन ग्रो ऐप, ईटी मनी और ये पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही अवेलेबल होगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए ग्रो ऐप, पेटीएम मनी और ईटी मनी पे यहाँ पे डायरेक्टली जाके हम शुरुआत कर दें। देखो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ जानकारी होना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके सेल्फ लेवल पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सको। आज के युग में YouTube प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हर एक टॉपिक का आपको वीडियो काफ़ी डिस्क्राइब करके मिल सकता है और वहाँ से आप इजीली समझ सकते हो कि हम कैसे ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करें। देखो अगर 9 साल में आपका 2 से 3 लाख रुपए भी ज़्यादा बन रहा है तो ये बहुत बड़ा रकम है। आप सिर्फ 9 से 10 साल लेके चल रहे हो, अगर ये साल और बड़ा होगा, जी हाँ 15 साल 20 साल, तो डिफरेंस यहाँ पे 8 से 10 लाख का भी हो सकता है। अगर आपका SIP अमाउंट यहाँ पे और बड़ा होगा तो डिफरेंस यहाँ पे 15 से 20 लाख रुपए का भी हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनाना है म्यूचुअल फंड से तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। मैं हमेशा जोर देता हूँ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। और आपको शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए और YouTube प्लेटफॉर्म से आप इजीली उसको ग्रैब कर सकते हो। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।